दाचि कालिन दीत टटविना संगीतरभो मुन्दाविरि नारी वर्णना कमलास्वादन पुष्प नमासंमो ब्रह्मां भरपति दीत चैतो जगन्नाथ स्वामी नयन पदी बे जन्नाथ स्वामी नयनी जगन्नाथ स्वामी नयन नयनपदमी भवतु मे

I you we were ghosts जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्थ मध्य समुद्र की जय महाडी की जय महा महोत्सव की जाए रथ यात्रा महा महोत्सव की जाए गुडीचा मार्जन की जाए जगन्नाथपुरी धाम की जाए महा मुदी समुद्र की जाए प्रोपाद की जय ज्ञानतिविनन्दस्य ज्ञानाञ्जनसलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनुभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरघुनाथान्वितं तं सजीवम्

शिवासादी गोरभक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम अरे राम अरे राम अरे। आज के इस पावन दिन में जगन्नाथ रथ यात्रा के महा पावन दिन में भागवत संदर्भ के इस तत्व व्याख्यान के श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे प्रयास है कि धीरे 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 भागवत के जितने भी संदर्भ हैं जहां जहां जिस जिस चीज के ऊपर फोकस है वो चीज का व्याख्या करें और उसको जीवन में कैसे वो लगता है उसको हम देखने का प्रयास करें तो पहले हमने दक्ष और सती का संवाद सुना और दक्ष और सती के संवाद में और सती के संवाद में हमने देखा कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिलेशन कैसे खराब हो जाते हैं कैसे सही रहते हैं और उस रिलेशनशिप के सीरीज में अगला स्टोरी है ध्रुव महाराज का तो ध्रुव महाराज में पहले प्रवेश करें उस स्टोरी को समझे पहले यह समझना पड़ेगा कि बर्बाद आदमी कैसे होता है बर्बादी की शुरुआत कहां से होती और बर्बादी की शुरुआत अगर आप देखेंगे हर चीज की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं अधर्म से हो और अधर्म तो है ब्रह्मा जी का बच्चा है तो अब देखते हैं अधर्म का परिवार देखेंगे ब्रह्मा जी को बेटा हुआ वॉइस नो वॉइस

हरे कृष्ण अभी आ रहा है ब्रह्मा जी को बेटा हुआ चार कुमार सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया इन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी नहीं करें तो इसके बाद पूरी स्टोरी हमने पहले बताया ब्रह्मा जी को एक और बेटा हुआ अधर्म तो अधर्म जो हुआ अधर्म ने शादी किया मिर्सा से मतलब झूठी मिर्सा का मतलब होता है फॉल्सिटी झूठी हमारी भाषा किया बर्बाद आदमी कैसे होता है बर्बादी के कारण देख रहे हैं। तो आपको हेटरेड आएगा ये सुन के घृणा होगी और ये होना अच्छी बात है दोनों के बच्चे हुए दोनों ने शादी किया लोभ पैदा हुआ बेटा और एक बेटी पैदा हुई निकृति निकृति का मतलब होता है कनिंग बिहेवियर कनिंग कनिंग कनिंगनेस ऐसा देखते ना आंख टेढ़ी करके जब आदमी लोभी होता है ना तो दूसरों को ऐसा देखता है आंख टेढ़ा करके तो ये भाई बहन थे लेकिन उन्होंने विवाह किया और उनके बच्चे हुए बर्बादी के कारण देख रहे हैं ना हम बर्बाद होने का रास्ता देख रहे हैं इनका बेटा हुआ क्रोध एंगर जब आदमी लोभी होता है तो क्रोध आता है और क्रोध और उसकी एक बेटी हुई हिंसा ये लोह वर्णिकृति जो थे अपने माँ बाप को छोड़ के एक निरीति करके एक असुर था उसके घर में पले इसने दोनों को पाला इनके बच्चे हुए क्रोध और हिंसा एंगर एंड एन एनवी हिंसा बिना कारण का दूसरों को मारना यह हिंसा है जब आदमी लोभी होता है ना तो दूसरों को मारने में देरी नहीं करता सोचता है मर्डर करने में क्या जाता है हमको फायदा है लोभ के कारण हिंसा होता है देखिए लोभ के कारण क्रोध आता है क्रोध के कारण हिंसा आती है और हैं दोनों भाई बहन लोभ से ही पैदा हुए दोनों लेकिन दोनों अपने आप में जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बनेंगे कली और दुरुक्ति कली बनेगा और दुरुक्ति दुरुक्ति का मतलब होता है हार्स स्पीच कड़वाहट बोलने में है ना जब किसी को बहुत कड़वा बोलते हैं कर्कस बोलते हैं और इस ये भाई था इसका कली कली और दुरुक्ति भाई बहन थे अब इन लोगों ने भी विवाह कर लिया क्योंकि कली का मतलब होता है कलह कलह का मतलब होता है लड़ाई कली का मतलब होता है लड़ाई कराना हम जिस युग में रह रहे हैं उसका नाम है कली युग कलियुग में लोग लड़ाई करेंगे और लड़ाई करने के लिए दुरुक्ति बेहार से स्पीच होना बहुत मीठा बोल के कोई लड़ सकता है कभी कभी ऐसा हुआ कि आप मीठा मीठा बोलिए और लड़ लीजिए क्या लड़ सकते हैं मीठा बोलने के बाद लड़ाई के बाद भी प्रेमी आ जाएगा इसलिए दुरुक्ति का होना लड़ने के लिए बहुत जरूरी कली और दुरुक्ति के बच्चे हुए इनका बच्चा हुआ मृत्यु लड़का हुआ जब लड़ाई करोगे तो क्या होगा मारा मारी मृत्यु होगा और मृत्यु के साथ आएगा लड़ने के बाद समय आएगा भय ये लड़की है मृत्यु और भय भी भाई बंद इन्होंने भी विवाह कर लिया अब उसके बाद मृत्यु और भय के बच्चे निकले यातना बहुत पिटाई और निराया निरय मतलब नरक हेल तो ये है बर्बादी के कारण जिन कारणों से आदमी बर्बाद हो जाता है वो कारण हमने देखे है ना? अगर कोई इसको सही व्यक्ति इसको सुनेगा एक पायस व्यक्ति सुनेगा है ना तो वो इसको सुन के जो है इन कारणों में घृणा करेगा अरे अरे घृणा अगर आपको आ रहा है मतलब आप अच्छे व्यक्ति और अगर आपको घृणा आया है तो आप पुण्य में आगे बढ़ेंगे और जो इसको तीन बार सुनेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे आत्मा का मल निकल जाएगा तो एक बार तो हमने सुना दिया आपको दो बार और सुन लीजिए ब्रह्मा का बेटा हुआ अधर्म अधर्म ने शादी किया मृषा के साथ अधर्म और मृषा ने शादी करके बच्चे पैदा किए दम और, और माया दम का मतलब ब्लफिंग और माया का मतलब चिटिंग और नृत्य नि, ने इनको दोनों को पाला एक ऐड कर दी गया बीच में रह गया बताना और इनके बच्चे हुए लोभ और निक, निकृति ग्रीड एंड कनिंग बिहेवियर इनका बच्चा हुआ क्रोध और हिंसा एंगर एंड एनवी इनके बच्चे हुए कली और दुरुक्ति इनके बच्चे हुए मृत्यु और भय और उनका बच्चा हुआ यातना बहुत पिटाई और नरक निरय फिर से एक बार बोलेंगे ब्रह्मा जी का बेटा हुआ धर्म, अधर्म ने शादी किया मिर्षा झूठी के साथ इनके बच्चे हुए दम ब्लफिंग और माया चिटिंग और इनके बच्चे हुए लोभ और निकृति ग्रीड एंड कनिंग उनका बच्चा हुआ क्रोध और हिंसा एंगर एंड एनवी इनके बच्चे हुए कली और दुरुक्ति मतलब कलह लड़ाई और दुरुक्ति मतलब हार्स स्पीच और इन दोनों के बच्चे हुए मृत्यु और भय डेथ एंड फियर और इनके बच्चे हुए यातना पेन और निरय, नरक है ना तीन बार हो गया और अगर आपने तीन बार सुन लिया है तो आपके आत्मा का मल दूर हो जाएगा अंदर से साफ कर देगा आपको ये डिस्क्रिप्शन क्योंकि तो आपको हेटरेड हो गया सुनकर अब हम आज के कहानी पे आते हैं जो हम रिलेशनशिप में चालू करते ये तो हमने सुना कॉजेज ऑफ डिवास्टेशन आदमी के बर्बादी का लक्षण बर्बादी आदमी बर्बाद आदमी कब होता है अब हम देखेंगे कि हमारे जिंदगी में हम जब आबादी की तरफ जाते हैं जब हम अच्छे में जाते हैं तब क्या क्या, -क्या प्रॉब्लम्स आती तो ब्रह्मा जी हैं वहीं से फिर चालू करते हैं ब्रह्मा जी का बेटा था अधर्म ब्रह्मा जी के बेटे थे चार कुमार और ब्रह्मा जी का बेटा हुआ स्वयंभु मनु मनु जिन्होंने मनुस्मृति दिया स्वयंभु मनु के तीन बेटियां थी हमने पहले बताया आकुति इसके बेटे हुए यज्ञ इसकी बेटियां अलग अलग जगह गई और इसकी बेटी की बेटी इसकी बेटी हुई सती और देवहूती देवहूती के बेटे हुए कपिल और नौ बेटियां हुई नौ बेटियां थी अनुसुईया अरुंधती बहुत नौ बहुत महान महान बेटियां थी अब ये स्वामी मुनि का दो बेटा हुआ उत्तान और प्रियव्रत दो बेटे थे उत्तान पद की दो शादियां हुई सुनीति और सुरुचि दो लड़कियों शादी की सुनीति से बेटा हुआ ध्रुव सुरुचि से बेटा हुआ उत्तम उत्तान पात पूरे दुनिया का राजा बने स्वयं मनु ने, ने मनुष्य जाति के लिए मनुष्यहिता लिखा इसके ऊपर हम प्रवचन कभी करेंगे अब हम ध्रुव के स्टोरी को हम देख रहे छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है इसमें एक मैंने ये जो पिछले साल हमने बुक लॉन्च किया था ट्वेल्थ सुत्राज ऑफ लीडरसिंग डॉक्टर केशवानंद दास ये बुक अभी अमेजॉन पे उपलब्ध है अगर आप अमेजॉन डॉट इसमें इन पे जाएंगे तो ये सॉफ्ट कॉपी में ये बुक अवेलेबल है वहाँ पर हार्ड कॉपी तो अभी ये लॉकडाउन में कहीं मिल नहीं रहा है मिलेगा जब लॉकडाउन हटेगा अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी चाहिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है और पुस्तक में बारह टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है पहला है मैनेजिंग द रेजिंग माइंड उसके बाद पावर ऑफ हैबिट्स है नेगेटिविटी टू तो पॉजिटिविटी है इनफ्रिटी कॉम्प्लेक्स को हैंडल करना चौथा टॉपिक है है ना? उसके बाद हाउ टू तो गेट सक्सेस इन दिस टाइम मैनेजमेंट गुड लक एंड बैड लक के बारे में टॉपिक है की टू रियल हैप्पीनेस है और कर्मा के ऊपर है डीलिंग विथ प्यर प्रेशर हाउ टू डील विथ प्यर प्रेशर और आखिरी है टीम प्लेइंग टीम प्लेंग कहा अच्छा ऊपर है टीम प्लेइंग ये बारह टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है और ये के पूरे के पूरे जो है शास्त्रों से लिए हुए हैं कोई इधर उधर का फेकाई स्टफ नहीं है इसमें जहाँ भी मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो तुरंत वो वेदों का कोट किया है कि कहाँ पे वेद इसको बोलते हैं ऐसा होता है तो आज हम ये ध्रुव की स्टोरी जो बता रहे हैं इस ध्रुव की स्टोरी में हम अलग अलग शास्त्रों से भी देखेंगे कि कैसे ये हमारे लाइफ में ये कैसे रिलेशनशिप्स कैसे हिलते हैं मेरे बुक में मैंने बहुत डिटेल में लिखा है और ये बुक की खासियत है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको कम जगह में मिल जाएगा तीन या चार पेज में मैंने पावर ऑफ हैबिट खत्म किया है और बहुत इलोस्ट्रेटिव है बुक जो है आप सोच रहे होंगे मैं बुक को प्रमोट कर रहा हूँ हाँ लेकिन मैं ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक आपके बहुत काम की चीज़ है बहुत इलस्ट्रेटिव बुक है हर चीज को यहाँ पे बहुत ही बहुत सारे डायग्राम्स हैं इस बुक में और पूरा इलस्ट्रेटिव है समझने के लिए बहुत ईजी है जो जो भी इस बुक को पढ़ा है काफी अच्छा अप्रिसिएशन है लोगों का और खास करके युवाओं में जो कंप्यूटर एग्जाम्स दे रहे हैं स्पेशली टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये जो रेंज है और ट्वेल्थ के बाद जो कंप्यूटर एग्जाम है तीन चार साल का जो रेंज है आदमी के जीवन का उसके लिए ये बुक बहुत ही मददगार होगी और अगर आप पेरेंट हैं बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देना है तो ये बुक आप डाउनलोड कर लें केवल सौ रुपये का है अमेजोन पे और डाउनलोड करके आप उसको आपस में उसको सिखा सकते हैं पढ़ा सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल बुक है खास करके पेरेंटिंग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो हम आपको ध्रुव महाराज के स्टोरी से अपने बुक से मैं बहुत सारी जगह से कोट करके दिखाऊंगा तो ध्रुव जो थे ध्रुव जो थे अपने पिताजी के गोद में जाके बैठना चाहते थे आपने कईयों ने स्टोरी सुना भी होगा स्टोरी को मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ और पिता के गोद में पहले से सुरुचि का बेटा बैठा हुआ था जो उत्तम ये बैठा हुआ था उत्तान के गोदी में अब ये ध्रुव भी इसी गोद में जाके बैठना चाहते अब क्या हो रहा है उत्तम के जो माँ है सुरुचि इसको डांटना चालू करती क्योंकि सुरुचि जो है रुचि बहुत प्यारी थी रुचिकर थी और सुनीति जो थी नियम पे चलती थी नीति बहुत इसका सही था में नहीं आते लोग है ना जो मीठा मीठा बात करने वाले लोग ज्यादा पसंद में आते तो सुरुचि ध्रुव को कहती है अगर तेरे को बाप के गोद पे जाके बैठना है तो ऐसे नहीं बैठ सकते तुमको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा और वो भी मेरे कोख से तुम तब जन्म सकोगे जब नारायण का कृपा हो तेरे पर कर्म से तुम्हारे कर्म से तो जन्म तुम्हारा कर्म तो बहुत खराब है मेरा कोख तुमको तब मिलेगा जब भगवान नारायण तुमको कृपा करेंगे और नारायण का तपस्या करो प्रार्थना करो और उसके बाद अगले जन्म में मेरे पेट से जन्मो फिर वे पिताजी के गोद में जाकर बैठ सकोगे जब ध्रुव ने सुना मातु सपत्न वाक बने अपने सौतेली मां के वाक बान को जो उन्होंने सुना हृदय भिन्न हो गया उनका हृदय छिन्न छिन्न हो गया कट गया कई पीसेस में सांप को जैसे पैर मारते हैं तो आघत करने सांप कैसा मारता है वैसा ध्रुव की सांसें चलने लगी फुफकारने जैसे इतना गुस्सा वो आंखें लाल हो गई ओंठ ऐसा ऐसा हो गया ओठ और पूरा और सांस एकदम सांप के जैसा सांप चलने लगा सांस सांप के जैसा चलने लगा और वहां से तुरंत उठे और उठ के अपनी माँ के पास गए माँ के पास पहुँचने के पहले माँ को पता चल गया कि उसके उसके साथ क्या हुआ है खबर चला गया पता और माँ सो अपने माँ कहती है देखो बेटा तुम्हारी जो सौतेली माँ कह रही है वो सही है तुम मेरे कोख से जन्मे नहीं हो और हम इतना फेवरेट नहीं है राजा के हमको तो दासी समझते हैं और सूरुचि तो को बहुत फेवर, फेवर किया जाता है तो तेरा जरूर भाग्य खराब था तूने जरूर कुछ ऐसा कर्म है वो तुम्हारा कि तुम मेरे पोख से जन्मा है और वो सही कह रही है तुमको अगर वो कह रही है कि तुम नारायण का पूजा करो और उसके पूजा करने से तुमको जगह मिलेगा तो सही तो कह रही है तुमको क्या करना चाहिए एकदम सोचना नहीं चाहिए तुरंत जाके भगवान नारायण का पूजा करना चाहिए तो शोक करने से क्या होगा हम लोग रोएंगे तुम रोगे रोते रोते मिलना क्या है शोको नास्यते धैर्य शोको नास्यते श्रुतम शोको नास्यते सर्वम तस्मातेतम् शोक शोकम तजित शोक से क्या नाश नहीं होता धैर्य का नाश हो जाता है जो लेमेंट करते हैं अरे 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 क्यों हमने ज्यादा खाना खा लिया अरे अरे क्यों मैं ज्यादा सो गया अरे 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 क्यों मैं इतना खेल के टाइम बर्बाद किया अरे अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई हाय 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 हाँ। मेरा शेयर मार्केट में पैसा डूब गया हाय 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 शोक करने से क्या मिलेगा आपको शोक करने से आपको क्या मिलेगा धैर्य नाश हो जाएगा पेशेंस विल गो ऑफ आपका जितना पेशेंस है सब खत्म हो जाएगा शोको नाशते श्रुतम आपने जो सुना है अच्छी अच्छी बातें वो काम पे लगाने के लिए आपकी ताकत खत्म हो जाएगी शोको नास सर्वम शोक से हर चीज का नाश हो जाता है आप शोक करते रहिए शोक करने वाला व्यक्ति के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता तो कह रहे हैं कि तस्मात शोकम तस्मातेजेत इसलिए शोक का त्याग कर दीजिए शोक को अपने जीवन में मत रखिए है ना? हरे कृष्णा काफी कुछ यहां आ रहा है यहाँ पे हम अलग अलग वृक्ष लगा रहे हैं और दिनों का और यहाँ पर हम 132 प्रकार के हम बीज लगा रहे हैं ये देखिए ये जो बीज है ये श्रीमान गजानन अग्रवाल जी ने भेजा है और मंदिर के नाम पे उन्होंने इसको सेवा के रूप में भेजा है है एक प्रकार के बीज हैं और इतना सारा कलेक्शन इतने इतने सारे चीज उन्होंने जो करके दिया है हम उनके बड़े आभारी हैं कि श्री राधा रमन जी के चरणों में उन्होंने ये सब बीज जो है भेजे हैं बीज सोने से भी महंगे होते हैं आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं सोना आप गाड़ दीजिएगा तो सोना नहीं उगेगा बीज गाड़ दीजिएगा जमीन में वो बीज उग जाएगा और कई बीज बना देगा उसमें से फिर बीज लेके गाड़ दीजिए फिर बीज बन जाएंगे सोने से ज्यादा कीमती चीज ये बीज है क्योंकि जब आप भूखे रहिएगा तो सोना काम नहीं आएगा ना चांदी काम आएगा ये बीज जरूर आपके काम आएंगे है ना जिस दिन मौत की शहजादी तेरे कानों में गुनगुनाएगी न सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी ये सोना चांदी से महंगी चीज़ है ये प्योर अनम्यूटेटेड अनहाइब्रिड un बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो शुद्ध भगवान ने बनाए हुए जो बीज हैं वो ऐसे 132 बीज उन्होंने भेजे हैं बड़ा पुण्य का काम किया उन्होंने और इसको हम पूरा यहाँ पे कल्टीवेट करके एक डेढ़ एकड़ लैंड में हम उसको घेर के कल्टीवेट करेंगे इसके बीज को और बढ़ाएंगे और हमारी इच्छा है कि यहाँ से जो भी आना यहाँ पे हमारे आश्रम आता है उसको हम वो सारे बीज हम गिफ्ट देंगे कि आप भी जाइए और अपने इलाके में सब बीज लगाइए धान के पाँच प्रकार लगाइए गेहूँ के पाँच प्रकार लगाइए मकई के कई प्रकार लगाइए सब्जियों के चालीस पचास प्रकार हैं फूलों के कई प्रकार हैं मसालों के प्रकार हैं सब लगाइए और जीवन में आनंद से जीवन जी लीजिए आनंद से जीवन जीने का है कि आपके पास अच्छे अच्छी अच्छी बीज हो और उन बीजों से अभी हमने बेल के बीज तैयार किए हैं और हमारा गोल है कि सबको ऐसे ही हम प्रोवाइड करें है ना और जब लोगों के पास फल और फूल और सब्जियां बहुत होंगी आस पास के गाँव में तो हम सब बांट ही रहे और बांटने के बाद जो बढ़ेगा सब गाँव में सबको हम लोग वृक्ष भी दे रहे पेड़ भी बना बना के दे रहे हैं तो जब सबके पास आम अमरूद केला कटहल पपीता इतना उगने लगेगा और उनके बच्चे हमारे गुरुकुल में ही पढ़ेंगे तो ज़रूर वो उनके फल हमारे यहाँ इलाके देंगे क्योंकि तो उनका बच्चा भी यहीं तो है तो हमने बहुत ही साइकोलॉजिकल गेम खेला है कि हमने सबको फ्री गिफ्ट दे दिया है गिफ्ट लेके वो लोग मेहनत करेंगे और उनके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे और वो अपने बच्चों के प्यार से वो इसी सब चीज़ें हमें दे देंगे और हम अपने प्यार से अपना सारा ज्ञान उनको दे देंगे इस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट होगा सेल्फ सस्टेन मतलब ना हम पैसा लेंगे ना वो पैसा लेंगे एकदम आप जीवन आनंद से जी सकते हैं धीरे धीरे आप सब कर सकते हैं इसमें ये बहुत बड़ा प्रकल्प है और इसमें कभी आपको देखना है तो आके देखें हम अभी रिलेशनशिप ध्रुव पे आते हैं वापस ध्रुव की कहानी पे आते हैं तो ध्रुव जो है अपनी माँ के पास गए हैं और माँ ने बोला है कि अगर तुमको सही में जीवन में कुछ करना है तो सच में जाओ और जाके नारायण की पूजा करो तो ध्रुव पूछता है कि नारायण कहाँ मिलेंगे तो सु, तो सुनीति कहती है नारायण जो है वो मैंने सुना है जंगल में मिलते हैं जंगल में जाके तपस्या करना पड़ता है तब जाके मिलते हैं शोक मत करो बेटा मैं भी रोगी तुम भी रोगे मिलेगा क्या करना है तो कर्म को जलाओ कर्मानी निर्धर किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी अगर तुमको सही में कुछ करना है तो तुम क्या करो भगवान नारायण की पूजा करो और ये ध्रुव ये सुनता है मन में विचार करता है क्या करना चाहिए घर से निकलना चाहिए मेरी उम्र छोटी है जंगल में शेर होंगे भालू होंगे गिदड़ होंगे भेड़िए होंगे सब कुछ कंसिडर करते हैं और सारा सोच के विचार के निर्णय लेते हैं कि मैं निकलूंगा और संकल्प लेते हैं निकलने का और वहां से घर से निकल जाते हैं घर छोड़ के पाँच साल का बच्चा निकल जाता है निकलने के बाद जैसे एक खबर सब जगह फैलती है नारद ने भी सुना उड़ते उड़ते कि का जो बेटा है वो जंगल में नारायण को खोजने निकल गया है नारायण कहते हैं नारद जी कहते हैं अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम्यता बाल हृदा धत्ते यदवच अहो तेज छत्रियाणाम छत्रियों का तेज देखो क्या क्या सॉरी है इनका क्या तेज है ऐसा तेज है कि पाँच साल का बच्चा भी जो है अपमान सहन नहीं कर पा रहा है वाह अरे क्षत्रिय ये नारद मुनि कह रहे हैं और नारद मुनि वहाँ से अपने वीणा को लेके वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं उसके सामने पहुँच जाते हैं और जंगल में आधे रास्ते पहुँच चुका है जंगल घुसने ही वाला है और नारद मुनि वहाँ मिल गए और नारद कहते हैं हे बालक ध्रुव अपना हाथ उसके सर पर रखते हैं क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी के बच्चे हैं और मनु भी उनका ही बच्चा है तो मनु उनके भाई हुआ और मनु का बेटा उतान और ये तो भतीजे का मतलब भाई का पोता हुआ ये पोते जैसा है पोता ही है तो नारद कहते हैं हे ध्रुव इतना क्या तुम दिल में हट लेके बैठे हो तुम्हारा उम्र थोड़ी है सब करने का खेलने की उम्र है तुम्हारी इतना दिल पे मत लो छोटा बच्चे हो कुछ बोल दिया माने तो बोल दिया कूल ले लो टेक इट इजी पॉलिसी <laughs> पॉलिसी इजी करके लो इतना हार्ड मत लो लाइफ में और फिर कहने लगते हैं सुनो कोई इंसल्ट करे तुम्हारा इंसल्ट करोगे तो दिल में असंतोष होता है दिल में जब असंतोष होता है तो समझना चाहिए कि असंतोष जो है और ये जो इंसल्ट है ये भगवान की माया शक्ति है ये भ्रमण भ्रमित करने वाली शक्ति ही तुमको काम कर रही है। ये सोच के मन में संतोष को अपना लेना चाहिए और संतोषी व्यक्ति को हमेशा सुख मिलता है हमेशा संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है है ना? और अगर तुम सोचोगे कि तुम अपना कर्म बदल लोगे जो तो तुम्हारे कर्म जन्म से जो तुमको कर्म मिला है विधि का विधान मिटता नहीं इसको तुम बदलने चले हो नारायण के पास जाके अरे नारायण के पास तो कितने साधु संत पहुंचे हैं तपस्या करने जन्मों लग जाता है तपस्या करने में कई लोगों को तो जन्मों तक नहीं मिलते नारायण मिलते ही नहीं तो आप तपस्या और उसका फल कहाँ से मिलेगा और तुम चले हो नारायण किस नारायण को खुश करने हम कह रहे हैं मेरा मानना है बहुत कठिन काम है मत करो सजेशन सुनना है तो मत करो संतुष्ट रहो और खुश रहो जाओ खेलो कूदो ये उम्र थोड़ी है सब करने जब बड़े हो गए जब बूढ़े हो गए दांत टूट जाएंगे आंख से दिखेगा नहीं तब जंगल में जाके तपस्या कर लेना उम्र है जब कोई भगवान की भक्ति में आता है तो लोग यही कहते हैं ये तुम्हारी कोई उम्र है भक्ति करने की जब दांत टूट जाए आंख धस जाए सब कोई दुनिया वाले तुमको दुधकार दें तब इधर आ जाना मंदिर और भजन कर लेना और कहते हैं नारद मुनि गुनाधिकान उदम लिप सेत मैत्री सीछेन्ता गुणिका उदम लिप्सें शांति चाहिए ध्रुव नरद कह रहे गुणाधिकान उदम लिप उदम अधिक गुण वाला व्यक्ति मिले तो खुश हो जाओ अनुक्रोशान गुनाधमान कम गुणी व्यक्ति मिले तो उसको अनुक्रोशान उसको हेल्प करो मदद करो सहायता करो मैत्री समाना समान अनविच्छिन्न समान व्यक्ति है तो उसके साथ मैत्री करो जा बड़ा व्यक्ति है तो उदम हो जाओ छोटा व्यक्ति है तो छोटा अनुक्रोशान गुनाधवान आपसे कम गुनी व्यक्ति है तो उसको आप मदद करो ज्यादा गुनी व्यक्ति है तो खुश हो जाओ देख के आहा मेरे से बड़ा व्यक्ति और अगर बराबर गुण वाला व्यक्ति है तो दोस्ती करो हम क्या करते हैं उल्टा करते हैं जब ज्यादा बड़ा व्यक्ति मिलता है तो हम एनवी करते हैं इशिया करते है। ओ बगल वाले के पास बड़ी कार है हमारे पास छोटी कार है जलते हैं जलना ये हम जलते हैं और कम गुण वाला व्यक्ति मिलता है छोटा व्यक्ति मिलता है तो क्या करते हैं दबा देते हैं उसको नालायक तो कुछ काम का नहीं गेट लॉस्ट और समान गुण वाला व्यक्ति मिलता है तो हम करते हैं कॉम्पिटिशन तो प्रतियोगिता करते हैं प्रतियोगिता और इसलिए हमको तकलीफें आती हैं तापे रबी हुए ताप मतलब तकलीफ तकलीफ आती है ये तीनों होने से अगर आप ये तीनों करिएगा आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा आएगा ही नहीं गुना धिकान उदम गुनों में जो ज्यादा है खुश हो जाइए अनुक्रोशान अनुक कोई कम गुणी व्यक्ति है उसको आप दबाइए नहीं उसको आप छोटा मत समझिए उसको आप सहायता करिए और मैत्री समाना अनुच्छेन जो आपके बराबर का गुणी व्यक्ति है उसे दोस्ती करिए न तापे रखते फिर आपको संसार में कोई भी ताप आपको घड़ित आपके संसार में आपको कोई भी ताप आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा है ना? आप इसको फोटो क्लिक कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड अगर आपने इसको क्लिक कर लिया है तो फिर हम आपको इसको डिटेल देंगे थोड़ा सा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे मिटा देते हैं आत्मा जो है आत्मा के अंदर तीन चीजें होती हैं। सत चित, आनंद आत्मा जो है सत चित आनंद होता है कैसा होता है वो ऐसा चीज का बना हुआ है आत्मा कि वो सनातन है सत मतलब सनातन इसका नाश नहीं होता आत्मा का आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता समय के साथ इसका कोई प्रभाव नहीं समय इस पे प्रभाव नहीं डाल सकता कोई प्रभाव नहीं समय का चित्त का मतलब है ज्ञान आत्मा ज्ञान में होता है क्या ज्ञान में होता है आत्मा जरा सोचिए मैं तो आप ही बताऊंगा आपको तुरंत उत्तर बताऊंगा और आनंद तो आनंद ही है आनंद को लिखने की क्या जरूरत है आनंद तो आनंद ही है उसका मतलब तो आनंद ही वही मतलब है ज्ञान का मतलब है भगवान और आत्मा का जो स्वरूप है जो भगवान के बारे में ज्ञान और अपने बारे में ज्ञान और अपने बारे में दो चीज का ज्ञान होता है और इस ज्ञान का सबसे अहम भाग जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद यश अनुया इतरस चार्थे स्विज्ञ स्वराट भगवान जो है भगवान में दो चीजें हैं भगवान अभिज्ञ हैं मतलब हर चीज को जानते हैं भगवान और भगवान सौराठ है भगवान का जो रूप है भगवान का जो स्वभाव है ये भागवतम के पहला श्लोक मैंने कोट किया आपको भगवान का स्वरूप में दो चीज है भगवान हर चीज को जानते हैं अभिज्ञ है और भगवान सौराठ है अपनी मर्जी के मालिक है और आत्मा जो है ये आत्मा भगवान का अंश है ंश है लेकिन है अंश भगवान भी सच्चिदानंद है आत्मा भी सच्चिदानंद है तो अंश जो है उसमें वही गुण होते हैं थोड़े मात्रा में जो पूर्ण में होते हैं जैसे सोने के खदान में अगर सोना निकालेंगे तो सोना तो बहुत निकलेगा लेकिन आपने जो सोना पहना हुआ है वो भी सोना है दोनों का गुण तो एक ही है सोने का तो आत्मा भी जो है जानता है हर चीज और आत्मा भी सौराट है कैसे आप कहेंगे ई कैसे हो गया भाई जब आत्मा इस भगवान से कनेक्शन में रहता है तो जो भगवान उसको जानना जानने देना चाहते हैं वो सब जान जाता है अभिज्ञ हो जाता है और आत्मा भी स्वराट है कोई भी चीज उसको जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती आत्मा को फ्रीडम है चुनने का चुनने का अधिकार है स्वराट का मतलब है हम अपने मर्जी के मालिक है जो करना है हम करेंगे ये स्वराठ का मतलब ये है अभी सोराट और अभी की के मतलब को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे यहां पे जब ये सनातन पाठ में आपको जब आपको ये लगे खतरा कि मुझे कुछ डर लग रहा है अगर आपको डर लग रहा है मतलब आपका सत का जो फीचर है टच हो रहा है कहीं से आपके सत की जरूरतें जो है पूरी नहीं हो रही भयम द्वितीय अभिनिवेश जैसे आपको भय लग रहा है मरने का भय विशेषत भय मतलब सबसे बड़ा भय तो मरने का है। सबसे बड़ा भय अगर आपको भय लग रहा है मरने का मतलब इस सत के ऊपर आपका कुछ जो है फोकस कम हुआ है आप सनातन है आप ये समझ नहीं पा रहे आपको भय नहीं लगना चाहिए भय नहीं लगना चाहिए आपको कभी यह नहीं लगना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा तो ये हो जाएगा भय लग रहा है मतलब आपने आत्मा का एक पार्ट रियलाइज नहीं किया है ना और अगर आपको लग रहा है कि मैं मुक्त नहीं हूं मुझे जबरदस्ती चीजें करवाई जाती है ना मैं क्या करूं मेरा बॉस ही ऐसा है मेरे से इतना काम लेता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता मेरे पास ऑप्शन ही कहाँ है मेरा नाइट शिफ्ट है मेरे पास ऑप्शन क्या है जाना ही पड़ेगा जब आपको ये लगता है मुझे करना ही पड़ेगा तो मतलब आप चित्त के ऊपर आपका क्रॉस हुआ है इस शक्ति को आप रियलाइज नहीं कर पा रहे कि आप मुक्त हैं और अगर आप ये रियलाइज नहीं करिएगा आपके जीवन में तकलीफें आएंगी और अगर आपको यह लग रहा है कि मेरे जीवन में खुशियां नहीं है मतलब आपने ये शक्ति को रियलाइज नहीं किया तो तीनों शक्ति को आपको अगर आप रियलाइज करना है तो हम आपके प्रोसेस में हम डिस्कशन में जा रहे हैं समय तो हमारे पास कम है कल हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास ये भय आ गया है ना भय आते बहुत सारी चीजें हो जाएंगी काम आ जाएगा शोक आ जाएगा डर लगेगा आपको शोक होगा ईर्षिया होगी ये सब चीजें आपकी आने लगेंगी और अगर आप अगर आपको हर चीज जबरदस्ती करनी पड़ रही है, है ना ये तो आपके अंदर क्या क्या आएंगे सो देखिए आपके अंदर विद्रोह आएगा जब आपको कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़ रही ना आप रिवेल करो विद्रोही बनोगे आप विद्रोह कर रहे हो मतलब आपके चित्त के पोटेंसी में आप टच नहीं कर पा रहे हो चित्त को आप रियलाइज नहीं कर पा रहे है ना और अगर आप अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो अगर आप निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहे हो तो आपको कभी भी आनंद एक्सपीरियंस नहीं होगा और आनंद का एक्सपीरियंस जब नहीं होगा तो आदमी जो है सुख जाएगा बिना आनंद नीरस हो जाएगा जिंदगी उसका जिंदगी पूरी क्या होगा काम होगा क्रोध होगा विद्रोह होगा और आदमी नीरस हो जाएगा है ना ऐसा जिंदगी जब जिएगा ना तो आदमी अपने आप को पूरा फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आत्मा जो है आत्मा जो भगवान का अंश है वो कहा काम शोक कर रहा है रो रहा है विद्रोह कर रहा है जीवन नीरस हो गया है है ना सुसाइड कर रहे हैं आजकल लोग है ना और जो नहीं कर कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर हो गया अरे तो मर्डर भी हो गया तो जो मर्डर करने वाला है वो विद्रोह कर रहा है है ना और जो रिएक्शन आ रहा है लोग विद्रोह कर रहे हैं है ना इसका मतलब आत्मा के स्वरूप को हम पहचानने में कमी कर रहे हैं जो अपने आप को सही में पहचानेगा कभी सुसाइड नहीं कर सकता सुसाइड तो क्या दूसरे को सुसाइड को रोक देगा लेकिन अगर आप अपने आप को पहचान पाए तो कि आप सचित आनंद हो है ना तो क्या होता है कि जब आदमी का इमोशन जब आदमी बच्चा रहता है ना बच्चा बहुत फ्री बिहेवियर करता है, है ना कुछ भी हर चीज़ को देखता है जो दिल में आता है बोलता है बहुत फ्री लाइफ जीता है लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है ना लोगों से सीखता है कि ये नहीं करना चाहिए यहाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए वहाँ ऐसे नहीं कर बेचारा बहुत सहम जाता है तो में कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होने लगते हैं इन्फेटी कॉम्प्लेक्स सुपरिटी कॉम्प्लेक्स बनना चालू हो जाता है छोटे बच्चे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता छोटे बच्चे को आप डांट दीजिए ही, ही ही करेगा अब तुम बहुत बढ़िया हो ही ही करेगा उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो करने से और डांटने से उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये सब फर्क तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए हम इसको मिटा रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पहला चीज है इन चीजों से बचना है तो पहला चीज है कि किसी के ऊपर कटाक्ष मत करिए कटाक्ष मतलब होता है इंग्लिश में जजमेंटल लैंग्वेज जजमेंट्स मत करिए किसी के नो no जजमेंट्स प्लीज अनुद्वे करम वाक्यम सत्यस्य प्रियहितम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांग में तप उच्चते ये सत्रहवें अध्याय का चौदहवा पंद्रहवा श्लोक पंद्रहवा श्लोक है कि किसी पे जजमेंट मत पास करिए जजमेंट पास करते ही कट आपका जो लैंग्वेज है बहुत खराब हो जाता है भगवान कहते हैं अनुद्वेग क्रम ऐसा बोलो कि दूसरा एजिटेट ना हो जाए जजमेंट करते ही आप एजिटेट जज मत करो जज करते ही लोग आपको एजिटेट आप लड़ना ही है तब जज करी जब अर्जुन लड़ने गया महाभारत के मैदान में तो वहां बिना बिना उसको जज किए वो लड़ाई कर ही नहीं सकता लेकिन जब लड़ना नहीं है रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन है जजमेंट्स मत करी है ना दूसरा है सामने वाले की भावनाओं को समझिए अपनी भावनाओं को समझाने से पहले सामने वाले की भावना समझिए सामने वाला क्या फील कर रहा है तिनादपि सुनिचे ना तरोपी सही सुना मानिना मान देना कीर्तन है सदा हरी हम भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को सबका दास समझो तो हम ये नहीं सोच सकते कि पहले उसको मेरा बात सुनना चाहिए नहीं तो ये श्लोक कह रहा है पहले आप उसकी बात को समझिए आप दूसरों की भावनाओं को पहले समझेंगे उसको क्या लग रहा होगा संवेदनशील बनिए दूसरे के भावना को पहले समझिए और भावना समझने के बाद जब आप उसको एक्सप्रेशन करोगे तो आपकी भावना को भी कोई समझेगा और तीसरा है जो हम बोलते हैं उसमें हम आदर और रिक्वेस्ट निवेदन निवेदन करें हम किसी को ऑर्डर ना दे आप ये कर सकते आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू इट आदर्श आदर से बोलना हम सीखें ये अगर हम करना सीख जाएंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएंगे इसका है अनुद्वेग क्रम सत्रह सेवेंटीन पॉइंट फिफ्टीन भगवदगीता अनुद्वेग कर्म वाक्य भावनाओं के ऊपर है चैतन्य चरित का तीसरा चैतन शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक तिनाद भी सुने चेना है ना इससे जब आप करेंगे ऐसे जब आप बोलना सीख जाएंगे आ, बहुत एक्सप्रेसिव भी हो जाएंगे और एक्सप्रेसिव होने के साथ साथ आपके रिलेशन बहुत मधुर हो जाएंगे तो कल हम देखेंगे कि ध्रुव ने क्या किया नारद की बात सुन के आगे के आगे का डिस्कशन हम कल देखेंगे है ना और तब जी का शुभ दिन है खूब भगवान का नाम जपिए जगन्नाथ जी का कीर्तन करिए जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को देखिए है ना अगर जगन्नाथ जी का रथ नहीं होता तो भारी अनर्थ हो जाता था अब हो रहा है तो बहुत अच्छा जय जगन्नाथ स्वामी की जय शिल प्रभपात की जय निताय गुरु हरि हरिहरि बोल